स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल में। मैं अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट 7 एंड पार्ट 8 पहले मैं बता चुका हूँ इंग्लिश में है, और ये जो पार्ट 8 है इसमें भी हर तरह की क्वेश्चन कराएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको आसानी से आप समझ भी जाएंगे और एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी आप हम क्वेश्चन कराएंगे उसको लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो वन है, क्वेश्चन वन में ए मैन कैन डू ए पेंट ए हाउस इन 5 डेज एंड हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट द सेम हाउस इन 4 डेज। मतलब मैन दिन फिक्स, 5 दिन में 8 लोग इसका हाउस को पेंट कर सकता है, तो उसी प्रकार कितना मैन चाहिए टू पेंट ए 4 डेज। तो दो तरीका है, एक तो है जो चीज हमें जरूरत होगा वो राइट साइड में होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 दिन में को हमको 8 मैन में कर सकता है, तो 1 दिन में कितना कर सकता है और 4 दिन में कितना कर सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है। और ए भी हो सकता है M1D1 = M2D2। ये दो फॉर्मूला तरीका है जिसको हम एडॉप्ट करेंगे, इसको फॉलोअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो M1 कितना है, मैन है 8, D1 कितना है 5 डेज, और M2 का हम पता नहीं है और D2 है 4 डेज। तो हम इसको M2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 × 5/4 करेंगे, तो यानी कि ये 2 है, यानी कि 10 डेज में M2 10 आदमी चाहिए। कितना चाहिए, मैन चाहिए, मैन है तो ये 10 मैन चाहिए। पूछा है हाउ मेनी मैन विल बी डू दैट, 10 मैन इसकी जरूरत है, कितना चाहिए, 10 मैन की जरूरत है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वर्किंग 8 आवर्स ए डे, 8 घंटा काम करने के बाद करते हैं, ए ओनू कैन ए बुक कॉपी, ओनू कैन कॉपी ए बुक इन 18 डेज, हाउ मेनी आवर्स ए डे शुड बी वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तो क्वेश्चन में यही है, 8 घंटा काम करके वो 18 दिन में किसी किताब को कॉपी करता है, तो कितने दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज लगेगा शुड बी उसको फिनिश करने में, 12 दिन में उसको कितना घंटा काम करने से, कितना घंटा काम करने से वो 12 दिन में उस कॉपी को, बुक को कॉपी कर सकता है। तो यहाँ पर हम M1H1 की जगह हम लिखेंगे D1H1 = D2H2, यानी कि ये डे है और ये आवर्स है, 8 आवर्स जो काम करते हैं 18 डेज के लिए, 18 दिन काम करता है और 8 घंटा काम करता है, 18 दिन काम करता है 8 घंटा काम करता है, तो उसके 12 दिन में काम करेगा और कितने घंटा करने से, कितना घंटा काम करने से वो काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो हम 18 है, डी कितना है 18 है, और एज कितना है 8 घंटा है, तो D2 कितना है 12 है, H2 कितना है पता नहीं है, वो निकालना है। H2 मतलब X, H2 अगर हम इसको X धरते हैं, X लेते हैं तो X है, तो X = 18 × 8/12। इसके साथ इसको 6 से काटेंगे तो 6 × 12 और 3 × 4, इसके साथ इसको काटेंगे तो 4 × 12 12 डेज, 12 H के आवर्स, तो H आवर्स है। क्वेश्चन दोनों एक ही टाइप का है, तो इसलिए उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ए टेक्स हाफ टाइम देन बी टू डू ए वर्क, किसी काम को करने के लिए ए जो है बी से आधा टाइम लेता है, यानी कि ए बी, और सी टेक्स इक्वल टाइम टू ए एंड बी, ए एंड बी जो टाइम लेता है सी उसकी बराबर समय लेता है, तो इफ 3 टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 7 डेज, तीनों मिलकर अगर काम को 7 दिन में करता है तो हाउ मेनी डेज ए अलॉन्ग टू डू द वर्क, ए अकेला कितना दिन काम लेंगे। तो हम इसको रेशियो के थ्रू करेंगे तो ऐसे होगा A/B/C, यानी कि ए बी सी 3 है, तो बी कैन डू ए वर्क, ए टेक्स हाफ टाइम देन बी, देन बी मीन्स बी अगर एक यूनिट समझ लेता है ए हाफ टाइम लेता है, और सी
जो है इक्वल टाइम टू ए एंड बी जो टाइम लेगा उसका इक्वल टाइम, यानी कि ए जो हाफ इतना टाइम क्यों लेगा सी लेगा, इसका मतलब 3/2, सी इतना टाइम लेगा, ए इतना टाइम लेगा, बी इतना टाइम लेगा। तो हम इसको अगर बोल सकते हैं ये टू के तीनों 7 दिन में कर सकता है, तो इसको जोड़ेंगे तो हाफ प्लस 1 प्लस 3/2 यानी कि 2 LCM होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6/2 यानी कि 3, 3 यूनिट काम, 3 यूनिट काम जो है इन्होंने कितना दिन में करता है, 7 दिन में करता है। तो 1 यूनिट काम जो है इसने 7 × 3 यानी कि 21 दिन में करेगा, तो ए काम को 21 दिन में समाप्त करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया है, मीनू जो है कि 30 मिनट में 8 पेज और करेक्शन 8 पेज जो है वो पढ़ लेते हैं, तो द नॉवेल कॉन्टेंट 80 पेज यानी कि 80 पेज का वो नॉवेल है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन रीड कंप्लीटली, पूरा समाप्त करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अगर वो 8 पेज को खत्म करेगा 30 मिनट में, अगर 1 पेज को खत्म करेगा उससे कम समय लगेगा, 1 पेज पढ़ने में उसको कम समय लगेगा, तो 80 पेज पढ़ने में उसको 30 × 8 × 80 यानी कि ये 10 यानी 300 मिनट, ये मिनट है, 300 मिनट टाइम लगेगा। 300 मिनट को अगर हम 60 से भाग कर देंगे ये काट जाएगा तो 5×6 ये 5 है यानी कि 5 आवर्स टाइम लगेगा, 5 आवर्स इसको टाइम लगेगा। तो क्लियर है इस सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी एंड सी टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क, एक काम को ठेका ले रखा है ₹450 देंगे। इफ द रेशियो ऑफ द वर्क इज 9:5:4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द शेयर ऑफ द ए शेयर कत। तो देखो ए बी सी 3 है, 3 का रेशियो क्या है 9:5:4, इन रेशियो का जो जोग है, इन रेशियो का सम ऑफ द रेशियो, रेशियो कितना है 9 + 5 + 4 तो ये हो जाता है 9 × 18। तो क्या पूछा है ए फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर कितना, तो 18 का ए का शेयर 9 है, 9 शेयर है 18 में से, कितना रुपया का 450 रुपया का 18 में से 9वां हिस्सा किसका, इसका है, तो ये है इसका शेयर कितना, तो ये 2 है यानी कि 450/2 यानी कि है, इसके साथ इसको काट जाएगा, 2 है ये, 2 है ये, 5 है, 225 है, 225 रुपये है, सम ऑफ द रेशियो इज 225 ये रुपये है। क्लियर है, चलते देखते अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 60 डेज, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ए कितने दिन में काम करता है 16 दिन में, 16 डेज में करता है, 16 डेज में ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को 16 डेज में करता है। ओके, इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, अगर बी उसके 60% ज्यादा काम करने का क्षमता जो है 60% ज्यादा है, देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी, बी कितना दिन लगेगा टू सेम पीस ऑफ वर्क, समान वो ये जो काम करता है उसी काम को बी को करने में कितना दिन लगेगा। देखो ए एंड बी, अब 60% मोर एफिशिएंट मतलब होता है 160, और ए किसी काम को अगर 100 दिन में करता है और 60% मोर मीन बी इसको 160 डेज में करेगा, इसके कार्य होता है, तो समय क्या होगा, समय इससे कम लगेगा, जो काम ज्यादा दिन में करेगा ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो समय उसका उल्टा रिलेशन होता है 160/100। हम इसको रेशियो में कर लेते तो ये 16:10 यानी कि ए जिस काम को, बी जिस काम को 10 दिन में करेगा तो समय लगेगा, इसको बी ए को काम करने का 16 दिन लगता है, तो बी तो 60% ज्यादा एफिशिएंट ना, वो 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो मेरा क्वेश्चन में भी दे रखा है ए कितना दिन में करता है 16 डेज में, तो ए 16 डेज में करता है तो बी कितने दिन में करता है 10 दिन में करेगा, ये बी का वर्क है,
तो आंसर यहीं पर मिल जाता है, तो बी उस काम को 10 दिन में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टू पाइप्स है ए एंड बी कैन फिल ए वो टैंकी इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। दोनों पाइप है, ए जो है 10 आवर्स में और बी जो है 15 आवर्स में टैंकी को भर्ती करते हैं, टैंकी को भरते हैं। फाइंड द टाइम टेकन फिल द टैंक बोथ पाइप्स टर्न ऑन द साइमल्टेनियसली। अगर एक एक करके जो होने से इतना होता है, अगर दोनों मिलके एक बाय एक भर देते हैं तो उसको कितना टाइम इसमें लगेगा पानी भरने में। तो मैं आपको बता दूं, पाइप और टैंकी वाला जो सवाल है वो नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम कराएंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो बुक्स में दिया हुआ इसी के साथ टाइम एंड वर्क के साथ दिया हुआ, तो मैं इसको करा देते हैं, आप देखते रहिए। इसका जो एलसीएम है कितना होगा, 30 होगा। यानी कि ये 3 यूनिट भरते हैं और ये भी 2 यूनिट भरते हैं, दोनों जोड़ते हैं तो 5 यूनिट जो है पर आवर, 5 यूनिट जो लीटर हो ये जो भी यूनिट है पानी है पर आवर भरते हैं। तो टोटल अगर कैपेसिटी 30 है तो पर आवर भरते हैं, तो यानी कि 6 आवर्स में ये टैंकी दोनों को फुल करेगा, 6 आवर्स में टैंकी दोनों को फुल करेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। पाइप ए कैन फिल द क्रिस्टन इन 4 आवर्स व्हाइल पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। द बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर एट द सेम टाइम व्हेन द टैंक इज एम्प्टी। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय देम टू फिल इट। क्वेश्चन में बताया गया है एक चौबच्चा है, इस चौबच्चा 4 घंटे में वो क्या करता है, फिल करता है। ए जो है 4 घंटे में टैंकी को फुल करते हैं और बी जो है उस टैंकी को 6 घंटे में एम्प्टी खाली करते हैं। ये फिल करते हैं, ये भरते हैं, खाली करते हैं। बी क्या करते हैं, 6 घंटे में उसको खाली करते हैं। तो अभी बोलते हैं बोथ टैंकी को खाली कर दिया सेम टाइम में, और उसी टैंकी को जब भरते हैं तो टोटल कितना टाइम लगेगा, खाली करने के बाद उसको जब टोटल पूरा टैंकी को भर्ती करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो हम इसका एलसीएम करेंगे, 4 और 6 एलसीएम है 12, यानी कि इसका है 3 4 और 3 है और ये 2 है। अगर जहाँ तक खाली करने की बात है तो इसको हम माइनस करेंगे, तो एक टैंकी पाइप से भरते हैं और एक टाइम में खाली करते हैं, इसका मतलब जो है ये 3 यूनिट भरते हैं और 2 यूनिट खाली होता है, यानी कि 1 यूनिट बचता है। 1 यूनिट जो है पर आवर इसका जो है टैंकी में पानी भरते हैं। तो टोटल टैंकी का कैपेसिटी 12 है, तो 12 बाई यानी कि 12 आवर्स इसमें टाइम लगता है, 12 घंटा इसमें क्या होता है टाइम लगता है टैंकी को भरने। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक 36 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक 30 मिनट्स। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन हाउ मच टाइम टू टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। क्वेश्चन का मतलब यह है ए और बी, ए किसी टैंकी को फिल करता है, भरते हैं कितना मिनट में, 36 मिनट में, और बी उसी टैंकी को जो है फिल करते हैं 45 मिनट्स में, और दोनों सी एक टैंकी है जो खाली करता है 30 मिनट्स में, सी भी एक टैंकी है जो खाली करता है कितने मिनट में, 30 मिनट्स में। तो ये ए एंड बी पाइप भरते हैं और सी टैंक क्या करते हैं, खाली करते हैं। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर लगातार तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो हाउ मेनी टाइम टैंक विल बी है ए प्लस बी प्लस सी। ए टैंकी को कितना मिनट में, 36 मिनट में भरते हैं और बी टैंकी को 45 मिनट्स में भरते हैं और सी वहां पर जो है 30 मिनट्स में खाली करते हैं। ये तीनों का हम एलसीएम करेंगे, 180 होगा, और इसके साथ इसको भाग कर देंगे तो 6 6 36 है इसमें, 5 है 5 6 30 और 3 5 15 3 18 और ये होगा 4 होगा और इसके साथ करेंगे तो 6 होगा। तो ये तीनों में से ये दोनों तो हम जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, इसको 2 जोड़ने से 9 8 3 6 घटा दिया तो 3 यूनिट बचता है, 3 यूनिट पानी जो भरते हैं,
तो 180 टोटल यूनिट में से अगर 3 यूनिट पानी भरते हैं, इसको काटेंगे 3 6 18 60 60 मिनट है, तो टैंकी को भरने में उसको 60 मिनट का टाइम लगेगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और